एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 16 साउंड वेव क्वेश्चन नंबर 26। टू ऑडियो स्पीकर आर केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट एंड ड्रिवन बाय सेम एम्पलीफायर सिस्टम। अ पर्सन इज सिटिंग एट अ प्लेस 6 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्पीकर एंड 6.4 फ्रॉम द अदर। इफ द साउंड सिग्नल इज कंटिन्यूसली वेरिड फ्रॉम 500 हर्ट्ज टू 5000 हर्ट्ज, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी फॉर विच देर इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ प्लेस ऑफ द लिसनर। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अपने पास दो स्पीकर है, दोनों का डिस्टेंस दे रखा है लिसनर से। तो मान लो ये आपका फर्स्ट वेव है साउंड वेव, और ये सेकंड साउंड वेव है। इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। तो कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस में जो वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, A² = A² + A² + 2A1A2 cos(φ)। क्या है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, ठीक है। ओके, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब ये cos phi 1 हो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब cos phi माइनस 1 हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला, यानी cos phi कितना होना चाहिए, माइनस 1, राइट। यानी ये मिनिमम आ जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस 1 होगा तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर रहेगा। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos phi माइनस 1 होना चाहिए, यानी phi इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n + 1 pi होना चाहिए, राइट। अपने पास फेज डिफरेंस आ गया, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/π, सॉरी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लिखूँ मैं तो लेमडा अपॉन 2π इंटू फेज डिफरेंस। ओके, तो लेमडा 2π, फेज डिफरेंस है अपना 2n + 1π, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2n + 1/2 लेमडा। ये आपका पाथ डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है, ये 6 मीटर है, ये 6.4 है, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 6 - 6.4 यानी 0.4 मीटर, ये पाथ डिफरेंस है। पाथ में दोनों के पाथ में डिफरेंस क्या है, 0.4 मीटर, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, 0.4 मीटर। ओके, तो वैल्यू पुट करो एक्स इज गया, तो 0.4 = 2n + 1 और अपॉन लेम इंटू सॉरी 2 × λ, राइट। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.8 अपॉन सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा, बट अपन फाइंड क्या करना है, अपन फ्रीक्वेंसी करना ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, स्पीड बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाई लेमडा, यानी लेमडा इज इक्वल टू मैं स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ। तो यहाँ लेमडा को रिप्लेस कर देता है, 0.4 = 2n + 1/2 और ये आ जाएगा स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा 2n + 1 upon 0.8 × स्पीड, यानी ये आ जाएगा 2n + 1 upon 0.8 और स्पीड कितना अपना 320, यानी कि आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2n + 1 320 by 0.8 कितना होता है, 400। ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। ओके, अब फ्रीक्वेंसी हमें रेंज किस में चाहिए, 500 से 5000। तो n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 400 आता है, यानी n 0 पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर n 1 पुट करता हूँ तो कितना आता है, 1 + 1 × 2 + 1 = 3, यानी 3 × 2 = 4, 1200। तो 1200 हर्ट्स 500 और 5000 में आता है, यानी बिल्कुल सही है। n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो 20000 भी सही है, सॉरी कुछ गलत किया अपन ने, सही है 20, ठीक है, तो 2000 भी सही है अपने पास। n इज इक्वल टू 3 पुट करो तो 6 × 7 = 28, ठीक है, 4 पुट करो तो 4 = 8, 8 + 1 = 9, 36, ओके, 5 पुट करो, 5 × 2 = 10, 10 + 1 = 11, यानी 44, अभी तक सही है। 6 पुट करो तो 6 पुट करते हैं तो 12 + 1 = 13, 13 × 2 = 26 और 6 = 52, यानी 52 तो पॉसिबल नहीं है, गलत है, क्योंकि 5000 ही तो अपने को बोल रखा है मैक्सिमम, यानी n 6 पे पॉसिबल नहीं होगा, n 1 से n 5 तक पॉसिबल होगा, यानी ये रेंज आएगी।